मेरा क्वेश्चन ये है कि जो जनरेशन जो हमारा हमारे फादर साहब से हमारे फादर का हमारे ग्रैंडफादर साहब से जो अंडरस्टैंडिंग का जो जनरेशन गैप आ रहा है उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं अपनी लाइफ से। अगर घर में बच्चा गलत है तो माँ बाप चार जगह उसको शो ऑफ करते हैं कि हमारे बच्चे में ये गुण हैं या ये अवगुण हैं या इस टाइप से है। लेकिन अगर माँ बाप ही गलत हैं या अगर उनकी कोई बात गलत हमें लग रही है एज पर आवर व्यू और एज पर आवर सोसाइटी व्यू दैट वी आर राइट, तो उस चीज़ को हम क्या करें? इस चीज़ में अगर हम खुद इन्वॉल्व होते हैं तो दैट विल बी अ क्लेश बिटवीन इन द फैमिली। हमने आपका नाम क्या है? कमलजीत सिंह। कमलजीत जी, हमने सुना ना छोटे साहबजादी की ऐतिहासिक वापरी घटना जी। उसमें छोटे साहबजादों का दादी के साथ कितना मिलवर्तन था, ठीक है ना? हाँ जी। कोई जनरेशन गैप नहीं है, इसका मतलब दोनों का सोचने का ढंग एक करना चाहिए जी। वही उसी चीज़ को तो मैं तो वो सोचने का ढंग है। हम गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ें, धर्म को समझें और धर्म के अकॉर्डिंग जिएं, तो छोटे से छोटा बच्चा बड़े से बड़ी दादा दादी उनके साथ जनरेशन गैप नहीं रहेगा। लेकिन बड़े अपने आप को ठीक समझते हैं, हाँ, ये चीज़। बड़ों को सबसे पहले अपनी जात छोड़नी होगी, फैक्ट है। शराब छोड़नी होगी, बिल्कुल। दाज के नाम पर बेटा बेटी की शादी छोड़नी होगी जी, है ना जी। दिखावे छोड़ने होंगे, गुरुद्वारे में अपने दिखावे की लंबी लंबी अरदासें कराना छोड़नी होगी जी, है ना जी। गुरुद्वारे में संगमरमर लगवा दिया और किसी गरीब का हाल भी नहीं पूछा, है ना? बिल्कुल। गुरुद्वारे में भाई लालो के लंगर करने पड़ेंगे, बिल्कुल। और मलक पागो वाले छोड़ने होंगे जी। तो बड़े लोग अगर ठीक काम करेंगे तो छोटों के ऊपर उसका अच्छा असर होगा, फर्क होगा, और वो उनके पास बैठेंगे और उनका जनरेशन गैप खत्म हो जाएगा जी। जी वही चीज सोचनी है, हाँ, सोचनी का फर्क। सो बोथ लुकिंग इन वन डायरेक्शन, या दोनों की शादी हो जाएगी। तीसरी लाभ में क्या होता है कि बोथ लुकिंग इन वन डायरेक्शन, जब पति पत्नी दोनों एक ही डायरेक्शन में देखना शुरू करते हैं तो दोनों की हार्मनी बन जाती है। एक की टांग इधर एक की टांग इधर तो नहीं बन पाती है ना सर। ऐसे ही बुजुर्गों को और बच्चों को आपस में मिलके एक सोचनी बनानी है, इक्का बाणी इक गुर इक्को शब्द जी। जी हमें तो जैसे बच्चों को तो आप समझा सकते हो कि बेटा आप दोनों ने एक तरीके से चलना है अगर आप अनुशासन घर में हैं, लेकिन बुजुर्गों को कौन समझाएगा? बुजुर्गों से लड़ना नहीं है, बस बात ही करनी है। काश आपकी स्पिरिट भावना बुजुर्गों में भी आ जाए। थैंक्स फॉर शेयरिंग। सब तो पहले सारी संगत में कहना चाहूँगा वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। वीर जी, मेरा छोटा सा बिल्कुल क्वेश्चन हैगा कि साढ़े पेरेंट्स ने सन शुरू तो सिखाया कि ओदी रजा विच खुश रहो हमेशा, जो कर रहे सही कर रहे, जो करेगा वो भी सही करेगा, ते ओदी रजा की है? मैं आज तक ऐसा समझ नहीं आया। लॉज ऑफ नेचर इज द विल ऑफ गॉड। नहीं जैकन, एक चीज है अगर असी तो ना की है। मेरा कवलजीत सिंह असी ना असी जपजी साहब दी विचार सांझ कीती है, पूरी डिटेल्ड विचार। उहदे विच पहली पौड़ी विच आया हुक्म रजाई चलना, तां असी उहदे विच सुनिया समझिया। तुसी उह सुनिया? पेन ड्राइव साडी सुनी है? नहीं, आप जी। अच्छा, असी उहदे विच डिस्कस कीता कि इहदे विच ना ते किसी ने साडी बेटी नूं साड़िया, ना मकान डिग पिया, ना बिजनेस डाउन होया, ना किसी की डैथ हुई। पहली पौड़ी की गल चल रही है ना? उदे विच मेरा क्वेश्चन एक छोटा सा है बस, जैकन एक छोटी सी गल है, जैकन कहंदे ने कि रजा विच खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। मैं वही तो रजा नहीं, वही मैं कुछ कह रहा कि इट मीन्स असी आलसी हो जाइए, जेड़ी अपनी चीज है या कोई चीज असी कोशिश कर दे। तुसी अपना नाम दोबारा बोलो जी। कवलजीत सिंह, सरदार कवलजीत सिंह। तुसी रजा एक्सप्लेन कर सकते हो? व्हाट डू यू मीन बाय रजा? मेरा सिर्फ पूछने का मकसद हैगा कि सन ट्राई करना छोड़ देना चाहिए है कि जेड़ा ओ कर रहा है वो सही कर रहा है, या सन कोशिश करनी चाहिए है? मैं ना थानू ए नहीं कह सकता कि तुसी रजा नहीं जानते। मैं थानू पूछ रहा तुसी रजा किनू समझदे हो? जिदे च असीं उहदा शुकराना मान सकीए, यह जो ह्यूमन बॉडी दिती है सब तो वड्डा साडा उस शुकराना यही है। उहदी रजा यही है कि असी खुद सब कुछ कर पा रहे हैं।
ਬਈ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਈ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਦਿੱਤਾ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਰਜ਼ਾ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਰ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਈਂਡਲੀ ਹੋਰ ਬੋਲੋ ਨਾ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਜਕਨ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਹੀ ਕਰੇਗਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਈਏ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਜ਼ਾ ਟੌਪਿਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹਾ ਛੋੜ ਦਈਏ ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰਜ਼ਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮਿਸਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੋਲੋਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਮਝਿਆ ਸਾਡੀ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸੀ ਡੀ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਆਂਸਰ ਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਰੋ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੋਚਿਆ ਸੋਚਣਾ ਹੋਗੀ ਅਭੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸੁੱਚ ਪਿੱਟ ਕਰਨੇ ਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਸੋਚਿਆ ਸੋਚਣਾ ਹੋਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲਖਵਾ ਅਬ ਦੂਸਰਾ ਆਇਆ ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪਣਾ ਹੋਈ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਸੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਨਾ ਚੁੱਪੇ ਚੁੱਪ ਨਾ ਹੋਈ ਜੇ ਲਾਏ ਰਹਾਂ ਲਿਵਤਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਔਰ ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਸੇ ਮਨ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭੁੱਖਿਆਂ ਭੁੱਖ ਨਾ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣੇ ਸੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਉਤਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਸਹਿ ਸਿਆਣ ਪਰ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਅਭੀ ਯਹਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਆ ਲੇਕਿਨ ਹਮਾਰੇ ਘਰ ਮੇਂ ਅਗਰ ਹਮਾਰੀ ਬੇਟੀ ਕੋ ਦਾਜ ਕੇ ਨਾਮ ਪਰ ਜਲਾ ਦਿੱਤੇ ਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਰੱਖੇ ਇਹ ਰਜ਼ਾ ਕੇ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਤੋ ਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਤੋ ਜੈਸੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੇ ਸਾਥ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਆ ਇਹ ਤੋ ਉਸਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਤੋ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਬ ਆਇਆ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਗੋਡ ਖੁਦਾ ਰਹਿਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਅੰਦਰ ਸੇ ਤੇਰੇ ਕੋ ਮੈਸੇਜ ਦੇਤਾ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਉਸਕੋ ਰਜ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਰੱਬੀ ਹੁਕਮ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਰੱਬੀ ਭਾਣਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਕੇ ਸਾਥ ਲੜਤੀ ਹੈ ਤੋ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭਾਣਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਕਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਹੁਕਮ ਸੇ ਇੱਕ ਕੌਮ ਕੋ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਤੁਮ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਕੋ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਕੋ ਮਾਰੋ ਜਾਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਕੋ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੈਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕੋ ਕੋ ਮਾਰੋ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਕਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਮਨੇ ਜੋ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਉਸਕਾ ਨਾਮ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਪਾਉਣਾ ਰੱਖਾ ਹੁਆ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਪਕਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁਆ ਕਿ ਕਿਆ ਹਮ ਐਸੇ ਹੱਥ ਪਰ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਭਗਵਾਨ ਕਿਸ ਕੋ ਮਾਨਤੇ ਹੋ ਇਹ ਜੋ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਹੈ ਨਾ ਇਨਕੋ ਭਗਵਾਨ ਬੋਲਤੇ ਹਾਂ ਇਨ ਲਾਜ਼ ਕੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਨਾ ਦੇਖੋ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਚਾਂਦ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਇਹ ਦਿਨ ਬਣਾ ਰਾਤ ਬਣਾ ਔਰ ਸੂਰਜ ਕੀ ਲਾਈਟ ਆਤੀ ਹੈ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਤੀ ਹੈ ਸਭ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਆਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਰਜ਼ਾ ਅਗਰ ਭਗਵਾਨ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਕੇ ਕੋਠੇ ਪੇ ਸ਼ਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਓ ਕੇ ਕੋਠੇ ਮੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖੋ ਵੋ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਨਾ ਇਹ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ ਕਾ ਇੱਕ ਗੋਡ ਆਫ ਦ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਨੇਚਰ ਇਜ਼ ਦਾ ਵਿਲ ਆਫ ਗੋਡ ਇਹ ਗੋਡ ਕੀ ਵਿਲ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਕਿਸੀ ਕੇ ਸਾਥ ਨਫ਼ਰਤ ਮਤ ਕੀਆ ਕਰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਇਸਾਈ ਵਿਤਕਰਾ ਮਤ ਕੀਆ ਕਰ ਇਸਕੋ ਰਜ਼ਾ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਇਸਕੇ ਲੀਏ ਐਫਰਟ ਕਰਨੇ ਪੜਤੇ ਹੈ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕੋ ਬੋਲੂੰ ਤੁਮ ਬਿਹਾਰੀ ਭਈਆ ਹੋ ਤੋ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਹਾਰ ਮੇਂ ਵੀ ਲੋਕ ਹੀ ਰਹਿਤੇ ਹੈ
अवल अल्लाह नूर पाए कुदरत के सब बंदे, तो हम उसको नफरत नहीं करेंगे। अब दिल्ली में अगर रिक्शे वाला रिक्शा चला रहा है तो मैं रिक्शे वाले को बोलूं, अरे रिक्शे वाले भैया आप वहाँ जा सकते हैं? जब वो उतर के आए तो जैसे आप मेरे घर आओ, मैं आपको चाय पानी पूछूं, ऐसे को पूछ लूं, भैया इतनी गर्मी है, रिक्शा चलाते हो, पसीने पसीने हो, या छाये में बैठ जाओ, पंखा चला दूँ, थोड़ी देर बैठ जाओ, पानी पियोगे? ये कुदरत का लॉ है, ये खुदा का नियम है ना? सो उसके लिए तो हम हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठेंगे। सो भगवान का लॉ क्या है? काइंड हार्ट। भगवान का लॉ क्या है? सबको प्यार करना। भगवान का लॉ क्या है? इक्वालिटी। ये रजा है, ये पाना है, इसके लिए मेहनत करो। आप जितना मर्जी कमाओ, हाथ पे हाथ मत रखो, अपना बिजनेस करो, नौकरी करो, ज़्यादा ज़्यादा कमा के, जिस मर्जी हिंदू मुसलमान, हमारी जो एम्बुलेंस चलती है, मैं उस दिन देख के आया, मोर देन 55% मुसलमान लोग आके दवाई लेते हैं, हमने उनके साथ कोई वितकरा नहीं किया। हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं। डॉक्टर जो है वो कुदरत के नियम के मुताबिक काम करता है, तो मरीज की जब नबज़ देखता है तो नबज़ देखते टाइम ये थोड़ा ना बोलता तुम हिंदुओं के, मुसलमानों के, सिख हो, नबज़ तो वही बोलेगी जो कुदरत का नियम बोलता है, उसकी बॉडी के अंदर हो रहा है। सो कुदरत के नियम पॉजिटिव, कुदरत के नियम काइंड हार्ट, कुदरत के नियम क्रिएटिव, कुदरत के नियम कर्ता पुरख, ये सारे को रजा पाना बोलते हैं। सो आप एफर्ट करो, बड़े सारे गरीब हैं। अभी मैंने सुना, आप सब ने सुना कि नहीं सुना, भारत में करीबन 62,000 समथिंग लोग पर मोमेंट मरते हैं। अगर 62,000 लोग, मेरा आंकड़ा गलत भी हो सकता, मुझे माफ़ करना, अगर 62,000 लोग अपने मरने पर अपनी आँखों को दान कर दे तो इंडिया में कुछ दिनों में, कुछ सालों में कोई भी अंधा नहीं रहेगा। एफर्ट करो, कौन बोलता हाथ पे हाथ धरो? हमको अपने ऑर्गन्स मरने के बाद दूसरों के लिए डोनेट कर देने चाहिए, है ना? कवल जी, पहला आंसर हो गया। हाँ जी, नेक्स्ट। कई जगह लिखा हुआ है गुरु परमेश्वर इको जान, ते एदे क्लियर लिखा हुआ है गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी जेड़ी है उन तुसी परमेश्वर मनो, सिर्फ यही मेन चीज़ है। लेकिन कई बार की देखा है कि जगन कोई वड्डे संत आते ने, सब कुछ आते ने, ते सारे उन्होंने पैर छूंदे ने कि तुसी गुरु हो गए, तुसी भगवान हो गए। गलत है, मनमुख होए बंदे दा बंदा, बंदा थोड़ा ना गुरु होता है। बंदे दे पैर छूना मानुख की टेक बिरथी सब जा। ते ओदे भी जकन कई बार पेरेंट्स कहंदे ने कि तुसी भले गुरु मान के ना छूवो, लेकिन तुहाडे तो वड्डे ने, तुहाडे पेरेंट्स तो वड्डे ने, ते ए मान के तुसी छू सकदे हो कि तुहाडे तो वड्डे ने, कि ए गल सही है? मैनूं नहीं पता है, तुहानूं पेरेंट्स नूं पुछना। नहीं, ए गल सही है? नहीं सही। नहीं, मैं पेरेंट्स नूं पुछना पेगा, वाई शुड आई वैलिडेट दिस? पेरेंट्स नूं पुछना पेगा जेहड़े कहंदे ने। हाँ, तो सानू मिडल मैन नू, जो गुरु नानक साहब ने गॉड, खुदा, अल्लाह, वाहेगुरु और इंसान के विचकार किसी नू रह नहीं दिता। मालन भूली जग बुलाना, हम बुलाने ना है, कौ कबीर हम राम राखे, कृपा कर रहे। कबीर जी कहते मेरा डायरेक्ट भगवान के साथ शेक हैंड है, बीच में विचोले की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्यों क्रिएट करें एक मिसअंडरस्टैंडिंग से? सो आपके क्वेश्चन का आंसर आपके बुजुर्ग देंगे। नहीं नहीं, थैंक यू। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह।